पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का नामांकन भरवाया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान रणजीत चौटाला के कवरिंग कैंडिडेट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा बने। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार लोकसभा से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का 29 अप्रैल से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। मित्रों, आज हिसार लोकसभा से हमारे लोकसभा के कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, इन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और मुझे भी इनके नॉमिनेशन पत्र में यहाँ दाखिल करने के समय पर उपस्थित मैं रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रकार से, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर के और पूरी लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा जुलूस था क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराया है। अभी वापस शोभा यात्रा में जाके शामिल होंगे और हज़ारों की संख्या में जो ये सारे इतने सैकड़ों वाहनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, तो आज इन्होंने नॉमिनेशन पत्र अपना दाखिल किया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बड़े मार्जिन से इस सीट को हम जीतेंगे। हमारा नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो 29 तारीख से ही शुरू हो गया था। 29 तारीख को पहला नॉमिनेशन गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी रविंद्रजीत जी ने उसका अपना नामांकन दिया था। अब आज से लगातार 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग करने वाले हैं। सर, कुलदीप जी और भव्य जी नहीं है नॉमिनेशन? ऐसा है, वो अपने किसी पारिवारिक काम से बाहर गए हुए हैं, ससुराल में उनका कोई फंक्शन था तो इसलिए वहाँ गए हैं। और चूँकि परसों ही तो रैली हुई थी आदमपुर में, मैं स्वयं भी आया था, वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए पूरे तन मन से साथ हैं और आज उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी कारण से नहीं आ पाऊँ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई बड़ी रैली होनी है? हाँ, सामान्यतया जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, 15 दिन 10-12 दिन में, तभी रैलियां होती हैं। तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है, क्योंकि अभी और प्रांतों में वो लगे हैं जहां तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा 6ठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे चौथे 5वें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृहमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अभी तीसरे चरण का चुनाव शायद 2-3 दिन में होने वाला है, फिर चौथा और पांचवा, आखिर हमारा तो 6ठा 25 मई को है, आखिरी सप्ताह में 10 दिन में उनके कार्यक्रम। हरियाणा में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो भी 10 की 10 सीटों पर दम भर रहे हैं? सर, दम तो सब भरेंगे और सबको भरना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सब अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ चला रहे हैं, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का एक रुख अपनाया है, आपको पता है कि हम लगभग 1.5 महीने से अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। कांग्रेस तो 3 दिन पहले उतरी है, उनको कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। जिस प्रकार की उनके घर के अंदर जैसे द्वंद्व थे, उन द्वंद्व में से आज तक भी वो निकल नहीं पाए हैं। अभी आज ही उन्होंने, कल ही शाम को गुरुग्राम के प्रत्याशी की घोषणा अब की है, तो उनका कहीं किसी प्रकार का कोई अभियान में तेजी नहीं है, कोई उनके कैंडिडेट को रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है और निश्चित रूप से हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। गुरुग्राम से राजबब्बर को उतारा है, आपको लगता है कि किस तरह से इस पर आप अपनी? नहीं, देखिए, राज बब्बर पहले तो अपने यहाँ प्रदेश के से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को अजमा के देख लिया, यहाँ भी अजमा के देख रहे हैं। केवल सेलिब्रिटी होना ये कोई जनता के आकर्षण का विषय नहीं होता, देश में कौन क्या कर रहा है, आखिर आज चुनाव कैंडिडेट से ज़्यादा नेतृत्व का चुनाव ये चल रहा है, नेता कौन है, नेता की नीति क्या है, नियत क्या है। तो जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, यानी इनके नेतृत्व का जो चयन है, उस चयन में कहीं नरेंद्र मोदी जी कहीं आगे हैं। आज हर प्रत्याशी के साथ उसके नेता का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है, तो आज कहीं कांग्रेस को कुछ भी कहीं हासिल नहीं हो रहा और राज बब्बर का कोई यहाँ परिचय नहीं, कोई उसका आधार नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई विषय मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई निश्चित रूप से, क्योंकि देश का चुनाव है। देश का चुनाव जो होता है तो राष्ट्रीय नीतियाँ उसमें काम करती हैं। आखिर 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या किया है जो 55-60 साल में भी नहीं कर सके, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। बल्कि उन्होंने तो 55 साल में ये सारी चीज़ें उलझाई हैं, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों को देश से अलग होने की जो उनकी भावना पनप रही थी वो हो, चाहे राम जन्मभूमि पर 500 साल से लटका विषय जो राम मंदिर का विषय वो हो, मुस्लिम समाज में महिलाओं की पीड़ा, वो मोदी जी ने समझी।
और ये तीन तलाक का जो विषय समाप्त किया, एक से एक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी जी ने जो काम किए हैं और न केवल अपने देश में दुनिया में भी भारत का नाम आगे बढ़ाने में जो मोदी जी ने काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। लोग सामान्य व्यक्ति भी उसको समझने लग गया है। जो दीपांशु राजा है उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केस कोई आज का नहीं है और ये कोर्ट ने भी मुझे डेट तो याद नहीं है लेकिन कई महीने पहले उनको भगोड़ा घोषित किया था। आखिर उनको हाजिर होना चाहिए, जो हाजिर नहीं होगा कोर्ट में तो भगोड़ा घोषित होगा ही, कोई हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। आखिर उसको कोई भी केस होता है किसी व्यक्ति पर तो कोर्ट में हाजिरी देना जरूरी है, अगर कोर्ट में हाजिरी नहीं देगा तो कोर्ट का काम है भगोड़ा घोषित करेंगे, इसमें हमारा क्या लेना देना। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हुड्डा ने मनोहर लाल से पूछ के टिकट बांटते हैं, उनके फायदे के लिए टिकट बांटे। अच्छा रहे, सारे के सारे लोग हमसे पूछ के बांटे, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस वाले सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि आपके 9.5 साल का जो कार्यकाल था उसको लेकर हम मीट करेंगे और उसी पे जवाब तलबी करेंगे। कहना चाहिए उनके हाथ में कुछ नहीं है, जनता के हाथ में है। जनता क्या समझती है हमारे 9.5 साल के राज को, जिस प्रकार से पारदर्शिता हमने बरती, जैसे नौकरियों का विषय बिना पर्ची खर्ची के सिर चढ़ बोल रहा है, ये ऐसा जादू जैसा विषय आया है लोगों के मनों में कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। कर्मचारी भटकते रहते थे, ट्रांसफ़र की पर्चियां ले लेके लाख हज़ारों रुपया रिश्वत का देते थे, फिर भी भरोसा नहीं होता था, नहीं होता था। आज उनके घर बैठे काम होते हैं। आज हरियाणा में गरीबी रेखा को हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 कर दिया, हर घर में उनको घर बैठे सुविधाएं मिलती हैं उनका, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उनको यानी पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, घर बैठे जो सेवाएं मिल रही हैं लोगों को, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं। इनका प्रोपोगंडा ये रहता है कि मंत्रियों के मुख्यमंत्री के घर में भीड़ होती थी, सेक्टर यानी सेक्रेटेरिएट में फोर्थ फ्लोर के ऊपर भीड़ होती थी, वो गायब है। मैं कहता हूँ हमारी अच्छी बात है, जनता की भीड़ अगर कम है इसका मतलब जनता संतुष्ट है। जनता जिस दिन संतुष्ट नहीं होती उस दिन यहाँ से दौड़ दौड़ के गाड़ियाँ ले लेके और दिनों दिन खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इसका मतलब जनता संतुष्ट है। तो इसलिए जनता की संतुष्टि का ये पैमाना है कि मंत्रियों के घरों पर भीड़ ना आए, घर बैठे उनके काम हो। जेजेपी वाले भी आप पर आक्रमक हो रहे हैं सर, होना ही चाहिए ना, दिक्कत क्या है, क्योंकि जेजेपी भी जैसे होता है ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो आज उनको हाथ पले कुछ लग नहीं रहा तो वो करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उनको। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं हिसार लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो, चाहे त्रिकोणिया हो, चार कोणिया हो, पाँच कोणिया हो, जब जनता में कोई आएगा, जनता रिस्पॉन्स देगी तभी तो कोणे बनेंगे, कोण तो तब ध्यान में आता है, जनता किसी को पसंद करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और सतीश पूनिया जी और हमारे स्पीकर से एमपी वो भी आए, हमारी बड़ी बहन भाई एक हमारी बड़ी बहन सावित्री जी जिंदल, हमारे राज साहब गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक भेड़ा साहब भी और दूसरे जितने थे सभी, वो गंगवा साहब भी सब पहुंचे हैं और नॉमिनेशन फाइल करा। लगता है कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिला, पीछे 15,000 की भीड़ जुलूस में चल के आए और 100% चुनाव जीतेंगे, जनता का मन बन चुका है मोदी साहब के लिए। खट्टर साहब भी आए थे सर आपके नामांकन भरने के, हाँ माननीय मनोहर लाल जी आए ने भरवा के गए आपसे अभी इंटरव्यू जी, कैसा रिस्पांस रहा सर आज जो लोग पहुंचे थे? आप देख रहे जी जनता सुबह इतने बजे से, नहीं तो 11 बजे से पहले लोग ही नहीं आते, 9 बजे से जनता आ गई थी, हमें जुलूस में 1.5 घंटा लग गया, जुलूस ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फिर हम बीच में उतर के गाड़ी में पहले भाग के गाड़ी में बैठ के आके नॉमिनेशन फाइल कर, क्योंकि टाइम हमारा 11:30 बजे तक था जी। प्रकाश कह रहे हैं कि जो देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का हम वही कर रहे हैं, बाकी सब नाम खराब कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं वो और उनका क्या लेना देना है, हम जुड़े रहे हैं उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया जुड़ रही है, देश जुड़ा रहा है, मुलायम सिंह जुड़ रहे हैं, लालू जुड़े रहे, सब अपने अपने चले गए, वो तो गद्दारी करके गए हैं, वो इनसे भी कर गए, जिंदल साहब से भी कर गए, वो उनसे जो भजन लाल से भी कर गए, हुड्डा साहब से भी कर गए, शैलजा से भी कर गए, हर एक से छोड़ के गए हैं, जो देवलाल के कर्मठ कार्यकर्ता सुधार हम उनके बेटे हैं, वो कैसे कह गए ये बात। आज की भीड़ क्या संदेश देती है? भीड़ ये संदेश देती है जनता मोदी साहब को धूम धमाके से बनाना चाहिए। सर जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकटें वितरित की गई है, क्या लगता है कि हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से करवाई या पूरी कांग्रेस का? देखिए हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को खिलाफ कर लिया, अपनी मनमाही ही करी है, जब ऐसे होता है, ऐसे इंदिरा गांधी ने करा था एक बार 1977 में, तो लोगों ने रिवर्ट करा, एक भी सीट नहीं आई थी, इंदिरा जी भी हार गए, राहुल गांधी हार गए। देखिए लोग निरंकुश को पसंद नहीं करते, जब सेनापति कमज़ोर हो जाता है तो लोग बगावत करते हैं, सूबेदार बगावत करते हैं, जब सेनापति कमज़ोर होता है तो भेड़ बकरिया का झुंड जो होता है वो बिना गडरी के जो उसकी स्थिति होता है सब जा रहे हैं, ना शैलजा उनकी सुन रही, कंवर आपके करण दलाल थे उनके सबसे मजबूत साथी थे, उनके रिश्तेदार थे,
अब तक का अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उनका था, जो बंसीलाल के परिवार की टिकट काट दी। छोटू राम का बहुत बड़ा नाम था सर, छोटू राम का, उनके नाम के वो गीत गाते हैं, रोज माला चढ़ाते हैं, उनके पोते का टिकट काट दिया। उन्होंने तो अपनी हट धर्मी से कांग्रेस को नाश कर दिया, जैसे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में नाश कर दिया, हुडा साहब हरियाणा में नाश कर दिया। हुडा साहब कोई चेहरा नहीं है कि उनके वोट मिल जाए, वोट तो राहुल गांधी के नाम के मिलने थे। वोट इन सब, हम सारे लीडरशिप इकट्ठी है ना, हम 10 लोग इकट्ठे आए हैं। अब जहाँ शैलजा नॉमिनेशन भर रही है उनका एक नहीं आ रहा, जहाँ हुडा साहब नॉमिनेशन भर रहे हैं वहाँ नरदीप सुरजेवाला नहीं जा रहा, वहाँ किरण नहीं जा रही, वहाँ आपका शैलजा नहीं जा रही, वहाँ वीरेंद्र सिंह नहीं जा रहे, सब उनके खिलाफ है। जब एक आदमी ऐसा करेगा तो आउट हो जाएगा। तो कांग्रेस की चुनाव पे प्रभाव नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी 10 सीटों पर। इसके बाद मैंने बताया था ना, आपने वेस्ट बंगाल में, आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में 300 सीटें हैं। 1970 के बाद रिकॉर्ड है कि 47 साल में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं, खत्म होगी 47 साल में, केवल वो पार्टी जारी है। और हरियाणा में जब 10 साल कोई पार्टी चली जाती है, कांग्रेस दोबारा आई नहीं है इतिहास। हरियाणा से कांग्रेस चली गई, कांग्रेस का पर्दा गिर गया। इन्हें हमें अब नज़र आ रहा है, उन्हें 4 तारीख को नज़र आएगा। कोई मुकाबला मानते हैं सर जयप्रकाश एपी के साथ या फिर एक तरफ? देखिए, हम जयप्रकाश को कहीं गिनती भी नहीं गिनते, मोदी साहब का वोट है। एक जो होड़ लगी है कितना पोल हो, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पोल हो। अगर ये 90% पोल होता है तो हमारा मार्जिन यहाँ से 6-7 लाख का जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा आरोप है जी, ये भारी उम्मीदवार हैं सभी, मैं यहाँ का लोकल उम्मीदवार हूँ। मेरा जन्म हुआ था ना तो सिरसा में हुआ था, चटाला गाँव में था, जिला हिसार था, अब रिकॉर्ड पे देख लो। अब वो क्या कहे, अनपढ़ आदमी का हम क्या जवाब देंगे? किसी के नॉमिनेशन, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, लोग एक बात देखते हैं। आज भारत चीन सीमा पे, पाकिस्तान एक तरफ है और देश को बड़ी मजबूत सेना की आज आवश्यकता है, जो हम गाजा में देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। आप मुझे एक बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब वहाँ सब जगह नए हथियार दिए हैं, जीरो बच्चे घर में खुश हैं। आज देश में क्या उन हालात में राहुल गांधी देश को बचा लेगा? मोदी बचा सकते हैं देश को? लोग इन बातों को देख के, लोग देश की स्टेबिलिटी, लोग सार्वभौमिकता देश की देखना चाह रहे हैं। तो विपक्षी नेताओं के साथ मार्जिन की लड़ाई है, जीत की लड़ाई है आपकी? हमारी मार्जिन की लड़ाई है, जीत तो होगी, जीत तो जिस दिन मोदी साहब का टिकट जिसको चला गया वो जीता होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद।